हाय एवरीवन दिस इज़ वेरानिका आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है प्रोजेक्ट डॉल्फिन के ऊपर देखिए यहाँ पे डेफिनेटली हम ज़्यादा जो बात करेंगे वो गैनजर्स की जो डॉल्फिन है उसके बारे में करेंगे और ये प्रोजेक्ट क्या है और क्यों डॉल्फिन को कंजर्वेशन की ज़रूरत है ये हम डिटेल में आज जानेंगे मेरे साथ किसी भी तरह के डाउट के लिए या अपडेट के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर या टेलीग्राम पर जो पी है इस लेक्चर का वो आपको मेरे आ, सिर्फ टेलीग्राम चैनल ही मिलेगा चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया गैन्जस रिवर की जो डॉल्फ़िन है उसके बारे में बात करेंगे और इसको सू सू भी कहा जाता है और ये आपके एम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैन्ज रिवर डॉल्फिन जो है वो नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया है तो यहाँ पे एक सवाल है आपके लिए कि इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल होने के साथ साथ किस स्टेट की भी ये स्टेट एनिमल है ओके स्टेट एक्वाटिक एनिमल है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे अब देखिए किसी भी इस तरह का जो सिंबल्स रहते हैं एक्वाटिक नेशनल एक्वाटिक एनिमल का स्टेटस इसको दिया गया तो ये इंडिया के लिए एक नेशनल सिंबल भी है अब देखिए गैंगेटिक डॉल्फिन जो हैं वो कहाँ कहाँ कौन कौन से रिवर सिस्टम में पाए जाती हैं आपका गंगा हो गया ब्रह्मपुत्रा मेघना कर्नाफुली सांगू इन नेपाल आ, ये जो करना फुली सांगू इन नेपाल इंडिया एंड बांग्लादेश यानी ये तीन जो रिवर्स हैं रिवर सिस्टम्स हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा यानी नेपाल इंडिया और बांग्लादेश के यहाँ पे आपकी जो गैंगटिक डॉल्फिन uh, है वो पाई जाती है अब देखिए जो डॉल्फिन है ये एक ओल्डेस्ट क्रिएचर है ओके okay, बहुत ही पुराना क्रिएचर है जैसे और कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं जिनको ओल्डेस्ट क्रिएचर्स में कंसीडर किया जाता है जैसे आपके क्रोकोड क्रोकोडाइल्स हो गए शार्क्स आ गए ओके okay, अब जो गैन्जर्स डॉल्फिन है इसको पहली बार कब डिस्कवर किया गया था तो 1801 हंड्रेड वन ये भी आपको याद रखना है देखिए जितने भी एनिमल्स के प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं चाहे आपका प्रोजेक्ट टाइगर हो उसके बाद हमने एलिफेंट किया हंगुल किया वल्चर किया राइनो किया आज हम डॉल्फ़िन कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ तो समझ आ गई होगी कंजर्वेशन एफ़र्ट्स किस एंगल से लगाए जाते हैं और क्या क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाए जाते हैं यहाँ पे मेनली आपको याद रखना है फॉर्मेशन इस लेक्चर की भी वैसे ही रहेगी लेकिन सबके जो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं क्वेश्चन वो अलग है तो जैसे इसको कब डिस्कवर किया गया था पहली बार एटीन में गैन्ज डॉल्फिन को ऑफिशियली डिस्कवर किया गया था और गैन्ज रिवर जो ये डॉल्फिन है ये कहाँ रहती है ये भी आपको मालूम होना चाहिए और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो डॉल्फिन है ये मोस्टली फ्रेश वाटर में ही सर्वाइव करती है अब इसके बारे में कैरेक्ट्रिस्टिक्स इसके आगे मैं आपको बताऊंगी कॉमन नेम इसका सूसू है साइंटिफिक नेम प्लानिस्ता गैंगटिका गैंगटिका पॉपुलेशन इसकी अभी जो भी लेटेस्ट सेंसेस के अकॉर्डिंग लेस देन 1800 यानी 1800 इंडिविजुअल से भी इनका जो नंबर है वो कम है लेंथ की बात करें तो देखिए फीमेल की लेंथ मेल से ज़्यादा रहती है अप टू 2.70 मीटर फीमेल का लेंथ है 2.12 मीटर मेल वेट 150 टू 170 सेवेंटी स्टेटस एंड डेंजर है आई ने इसको एंडेंजर्ड लिस्ट की कैटेगरी में डाल रखा है क्योंकि अब इसका नंबर देखिए अगर एक समय था जब ये हज़ारों की तादाद में मौजूद थी लेकिन अब एटीन हंड्रेड टेन्स ऑफ थाउजेंड्स जो इसका नंबर है वो इतना था लेकिन अब आप देखें एकदम इसका पॉपुलेशन जो है वो लास्ट सेंचुरी में डिक्लाइन हुआ है एटीन से भी कम इंडिविजुअल्स रह गए हैं इसलिए इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है कि अगर हम इसके लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तो हो सकता है आने वाले समय में ये एक्सटिंक्ट हो जाए देखिए ये नॉर्मल है कि किस तरह से हम ये जो हमारा अंडर वाटर फ्रंट है इसको प्रिजर्व कर रहे हैं दस साल का प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन के ये क्विक पॉइंट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में दस साल का ये प्रोजेक्ट जो है वो लिया गया है कि हम फोकस करेंगे रिविन रिवर और सी डॉल्फिन दोनों पर एम यही है कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको स्ट्रेंथन करना है इम्प्रूव करना है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट करनी है और टूरिज़्म भी डॉल्फिन को देखने जैसे बहुत लोग जाते हैं टूरिज़्म भी क्रिएट होगा उसके बाद देखिए किलिंग हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन बाय डैम्स की थ्रेट्स इसको क्या क्या हैं ये हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे और गैन्जस रिवर डॉल्फिन ये जो स्पीशीज़ है फ्रेश वाटर डॉल्फिन की ये मेनली कहाँ कहाँ पाई जाती है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ तो ओवरऑल देखें कहाँ कहाँ इसको देखा जाता है जो आपका गंगा के साथ साथ वाली स्टेट्स हैं जो जो भी रिवर्स बताएं ब्रह्मपुत्रा के साथ जो स्टेट्स हैं जैसे कि आपका यहाँ से आसाम से अगर हम शुरू करें बिहार झारखंड मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल यहाँ यहाँ जो डॉल्फिन है गैम्स डॉल्फिन उसको साइट किया गया है देखा गया है और ये भी जरूर याद रखिएगा इसको ऑफिशियली 1801 में डिस्कवर किया था अब इसके थोड़े से कैरेक्ट्रिस्टिक्स पर बात करते हैं यहाँ पर पिक्चर जो है इसकी आप देख सकते हैं साइड में ये जो रिवर है सॉरी uh, ये जो डॉल्फिन है इसकी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल रहती है फ्लिपर्स अगर आप इसके यहाँ पे देखें तो काफ़ी बड़े हैं और डॉर्सल फिन यानी जो इसका नीचे वाला फिन होता है जो इसको स्विमिंग में हेल्प करता है वो ट्रायंगुलर शेप का रहता है वेट 150 फिफ्टी इसके जो काव्स हैं जो इसके यंग वंस हैं उन उनका अगर आप कलर देखेंगे तो इस एडल्ट डॉल्फिन से थोड़ा अलग रहता है चॉकलेट ब्राउन कलर रहता है बर्थ के टाइम में और फिर धीरे धीरे जैसे वो एडल्टड की तरफ आते हैं तो उनका कलर ग्रेश ब्राउन हो जाता है हेयरलेस स्किन रहती है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फीमेल्स का साइज़ मेल से ज़्यादा बड़ा है और जो फीमेल्स हैं उनको सेक्शुअल मेचोरिटी ऑलमोस्ट टेन टू ट्वेल्व ईयर्स ऑफ एज में अचीव होती है अटेन होती है और मेल्स को जल्दी हो जाती है डॉल्फिन्स के केस में जस्टेशन पीरियड देखिए नाइन टू इलेवन मंथ्स का है और जो एक फीमेल है वो दो से तीन साल में एक ही बार एक यंग वन जो एक काफ इनके यंग वंस को हम बोलते हैं उसको जन्म देती है ओल्डेस्ट क्रिएचर्स हैं टर्टल्स क्रोकोडाइल्स के साथ अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ीचर है इनका जो आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि गैंगटिक डॉल्फिन जो है जनरली ये ब्लाइंड होती हैं ये देख नहीं सकती तो अब आप सोचेंगे कि फिर ये किस तरीके से अपना जो फूड है प्रे यानी शिकार जो है उसको कैसे करती हैं तो उसका एक बहुत ही यूनिक तरीका रहता है आपने बैट्स के केस में जिस तरह से देखा होगा ये अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो जनरेट करती हैं एमिट करती हैं सपोज़ यहाँ पे एक डॉल्फिन है यहाँ पे इसका एक प्रे है ओके तो ये अल्ट्रासोनिक जो साउंड है इस तरह से जनरेट करती है जब ये साउंड एक इसके शिकार के पास पहुँचता है वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आता है और उस तरीक़े से ये जो इमेज है इसके माइंड में अपने प्रे को लेकर वो बनती है और इस तरीके से ये अपना शिकार करती है और फीड करती है अब यहाँ पे फूड वेब और फूड चेन की बात करें तो टॉप प्रिडेटर्स ही रिवर रिवर सिस्टम में डॉल्फिन रहती है इसलिए इसका होना रिवर सिस्टम का ये दिखाता है कि रिवर सिस्टम आपका बहुत ही हेल्दी है अब कंज़र्वेशन ईश्यूज़ इसको लेकर क्या हैं जैसे मैंने बताया कि एक समय में इनका नंबर बहुत था लेकिन अब एकदम 2000 से भी कम रह गया है और रीज़न डायरेक्ट इसको मारा जाता है इसकी स्किन के लिए हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन बहुत सारे आपके डैम्स बारिजेज बन रहे हैं और लोगों को फिशिंग का बहुत शौक है तो डिस्क्रिमिनेट तरीके से फिशिंग भी होती है तो ये इसकी जो इनका स्पीशीज़ को इन्हीं चीज़ों से सबसे ज़्यादा ख़तरा रहता है तो यही रीज़न्स हैं क्या रीज़न्स हो गए डायरेक्ट किलिंग हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन डैम्स वगैरह बनना और इनडिसक्रिमिनेट फिशिंग कि इसको इतना प्रोटेक्शन देने के बाद भी इनका जो नंबर है वो डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि कमी कहाँ पे है कि हमारे पास कोई कोऑर्डिनेटेड कॉन्जर्वेशन प्लान नहीं है अवेयरनेस हम उतनी कम्युनिटी को नहीं दे पा रहे और एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर यानी किसी भी तरह का प्रेशर जो मैन जो ह्यूमन सोर्सेज की तरफ से है क्योंकि डेफ़िनेटली आप मै डैम्स बना रहे हैं बारजेस बना रहे हैं तो ये सब आपका एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर कहलाएगा और ये एक थ्रेट है डॉल्फिन पॉपुलेशन के लिए तो देखिए यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और दूंगी कि जैसे मैंने कहा कि इनका नंबर डिक्लाइन हो रहा है 2000 से भी कम है टू बी प्रोसाइज 1800 से भी कम इस स्पीशीज़ का नंबर रह गया है पहले क्या होता था काउंटिंग की जाती थी आ, ये याद रखिएगा कि जिस तरह से देखिए जंगल में हम उनके फुट जैसे टाइगर वगैरह के नंबर हम देखते हैं अब तो हम जीपीएस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करने लग गए हैं एलिफेंट के, के केस में हम कॉलर भी यूज़ करने लगे हैं राइनोस के केस में स्पेशली और अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ नंबर काउंट करने के लिए यूज़ की जाती हैं तो यहाँ पे साइट सीन की जाती थी कि जितनी दिखेंगी उस हिसाब से काउंट किया जाता था जिसमें डेटा आपका थोड़ा बहुत इनकरेक्ट भी हो सकता है लेकिन जो लेटेस्ट सर्वे 2019 में आपका हुआ वहाँ पे इन्होंने टैंडम बोट सर्वे जो है वो यूज़ किया टैंडम बोट सर्वे अब देखिए टैंडम बोट सर्वे में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि और आ, ओके आ, पहले जानिए कि नॉर्मल सर्वे में एक बोट पे जो एक्सपर्ट्स हैं काउंटिंग एक्सपर्ट्स हैं वो जा रहे हैं और उनको जैसे जैसे डॉल्फिन दिख रही है वो उसको काउंट करते जा रहे हैं उनका नंबर लिखते जा रहे हैं लेकिन टैंडम बोट सर्वे में क्या रहता है कि आपकी दो बोट्स टैंडमली एक के पीछे एक चलती हैं ऑलमोस्ट एक किलोमीटर का डिफरेंस उनके बीच में रहता है कि सपोज़ अगर ये जो बोट पे एक्सपर्ट्स हैं इनसे कोई डॉल्फिन डौ, मिस हो जाती है तो जो नेक्स्ट बोट पे एक्सपर्ट्स होंगे वो उसको काउंट कर लेंगे या इनसे मिस हो गई तो ऑलरेडी इन्होंने काउंट कर रखी होगी फिर लास्ट में ये अपना डेटा जो है उसको कलेप करते हैं इकट्ठा करते हैं और फिर स्टाटिस्टिकल टूल्स लेके जो एक नंबर है कि कितनी डॉल्फिन हैं वो दिया जाता है तो इसमें जो थोड़ा प्रिसाइज रहेंगे इतना जो करेक्शन है वो थोड़ा सही रहेगा डेटा आपको सही मिलेगा टैंडम बोट सर्वे में ये तरीका 2019 में इन्होंने अपनाया है एक मरीन इकोलॉजिस्ट थे गिल ब्रॉलिक ओके ये एक मरीन इकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये सिस्टम टैंडम बोट सर्वे का दिया था तो क्योंकि इससे आपका नंबर थोड़ा सही आएगा सही जानकारी मिलेगी और उस तरीके से आपका कॉन्जर्वेशन इश्यूज जो भी आप प्लान करेंगे वो कर पाएंगे और देखिए इसमें एक चीज और याद रखिए टैंडम बोट सर्वे में आपकी इन्फ्लेटेड बोट्स जो हैं वो यूज की जाती हैं और आप पानी के साथ डाउनस्ट्रीम जिसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम आपकी बोट चलती है और आप ये काउंटिंग जो है वो करते हैं अब देखिए वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया के इनिशिएटिव क्या हैं डॉल्फिन uh, को लेकर तो देखिए डब्ल्यू जो इंडिया आ, इंडिया में अगर बात करें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो हैबिटेट्स हैं इनके उनको आइडेंटिफाई किया है एट रिवर्स में नाइन स्ट्रेचेस आपके ऐसे हैं जिनको गैन्जर्स रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन के लिए एकदम आइडियल हैबिटेट जो है वो माना जाता है और उनको कंजर्वेशन एक्शन के लिए भी यही एरियाज़ इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं इन सब का नाम यहाँ पे लिखा है आप याद रख सकते हैं जो आपका अपर गंगा रिवर का रीजन हो गया फ्रिज घाट से लेकर नरोरा तक आ, ये उत्तर प्रदेश में है ये एक प्रपोज्ड रामसर साइट भी है चंबल रिवर अप टू टेन किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ऑफ चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के दस किलोमीटर डाउनस्ट्रीम अगर आप जाएंगे वहाँ पे ये एरिया आइडेंटिफाई किया गया और ये कहाँ पे है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फिर घाघरा गांधक रिवर उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा रिवर वाराणसी से पटना तक उत्तर प्रदेश और बिहार में ठीक है सोन और कोसी रिवर बिहार ब्रह्मपुत्रा रिवर में और सादिया जो कि हिल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे यहाँ से लेकर दुबरी तक बांग्लादेश बॉर्डर है ये आपका और कुलसी रिवर जो ट्राइब्यूट्री है ब्रह्मपुत्रा की तो ये जो स्ट्रेचेज हैं ये इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं इन आठ रिवर्स में जहाँ पे डॉल्फिन पॉपुलेशन के लिए एकदम सही हैबिटेट है इंडिया में कंजर्वेशन प्लान्स को लेकर देखिए जो कम्युनिटी है फिशरमैन की उसके बाद जो भी आपकी राइपेरियन पॉपुलेशन है उनको काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं ऐसे कम्युनिटीज़ के लिए ताकि डॉल्फिन को कंजर्व कर सकें एक स्ट्रैटेजी और जो एक्शन प्लान है गैमज रिवर डॉल्फिन के लिए कंजर्वेशन के लिए उसको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट किया था किसके साथ मिलकर जो आपका स्टेट फॉरेस्ट uh, डिपार्टमेंट है और बहुत सारे इस तरह के प्राइवेट पार्टनर्स भी जो हैं गैमजेस रिवर डॉल्फिन कंजर्वेशन के लिए देश में इस तरह के ग्रुप्स जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं अब यहाँ पे देखिए सबसे लेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर ने गवर्नमेंट का प्लान प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है वो अनाउंस किया अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में फिफ्टींथ ऑगस्ट ट्वेंटी में तो यहाँ पर ये जो प्रपोज प्रोजेक्ट था इसका एम था कि दोनों रिवर और मरीन डॉल्फिनस को हमको सेव करना है कंजर्व करना है ये चीज़ उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में कहा तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन देखिए उसको बताने से पहले कि अगर इंडिपेंडेंस डे में प्राइम मिनिस्टर इसको अनाउंस कर रहे हैं तो दैट मीन्स बहुत इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस इस एनिमल का रहेगा और वैसे भी एक्वाटिक लाइफ की हेल्थ का रिवर सिस्टम की हेल्थ का जो एक्वाटिक लाइफ है वो एक इंडिकेटर रहती है कि हाँ ये रिवर सिस्टम सही है किसी पानी में आपको किसी भी तरह का अगर एक्वाटिक लाइफ नहीं दिखेगा तो मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं टॉक्सिक एलिमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं या तो वो रिवर पोल्यूटेड है जैसे कि ग्लोबली हमने इस तरह की एग्जाम्पल्स देखी जैसे राइन एक्शन प्लान नाइनटीन जो है इंटरनेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइन के लिए ये प्लान लाया गया था इसमें क्या था इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ द राइन के लिए जो साल है उसको फिर से रिवर सिस्टम में लाया गया ये जो माइग्रेटरी फ़िश है इसको एक इंडिकेटर माना जाता है रिवर की इंप्रूव्ड हेल्थ के लिए तो सालमन जो फ़िश है वो क्या करती थी नॉर्थ सी जो टू द राइन। राइन के नॉर्थ सी जो है हर साल वहाँ पे आती थी रिप्रोड्यूस करने के लिए लेकिन जैसे जैसे इस रिवर का जो पॉपुलेशन है सॉरी जो पोल्यूशन लेवल है वो इंक्रीज़ होता गया तो सालमन ने वहाँ पे माइग्रेट करना बंद कर दिया और उसके बाद एक केमिकल एक्सीडेंट भी हुआ 1986 में जिससे इस फ़िश की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई और उस एरिया के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी मर गए ख़त्म हो गए इसके चलते ये एक्शन प्लान जो है राइन का ये इंट्रोड्यूस किया गया इससे जो रिवर का क्वालिटी है वो बहुत इस एक्शन प्लान के बाद रिवर का क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हुआ और जो सैलमन्स हैं जिन्होंने वहाँ पर माइग्रेट करना बंद कर दिया था वो फिर से आने लग गए तो इसका मतलब कि रिवर का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुआ तो हमको यहाँ पे डॉल्फिन्स के लिए भी ऐसा ही करना है जिन एरियाज़ में क्योंकि हमने देखा डॉल्फिन्स ने जाना बंद कर दिया है उनका पॉपुलेशन कम हो रहा है उनको अपना हैबिटेट प्रॉपर नहीं मिल रहा ऐसा एक्शन प्लान प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बाद हम ये एक्सपेक्टेड आउटपुट्स जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिवर सिस्टम का हेल्थ इम्प्रूव होगा तो अभी तक क्या किया गया है बहुत सारे एफर्ट्स जो हैं वो मिड नाइनटीन में प्रोजेक्ट डॉल्फिन से पहले ही जो 2020 में अनाउंस किया गया अगर आप नाइनटीन में देखें इस तरह के स्टेप्स जो हैं वो लिए गए लेकिन कोई भी इतना कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं था इनके नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसलिए गैंगटेक डॉल्फिन स्टिल आपकी एंडेंजर्ड लिस्ट में आई में रहती है उसके बाद जब हमारा गंगा एक्शन प्लान 1985 में आया गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था तो नवंबर 24, 1986 में गैंगटिक डॉल्फिन्स को फर्स्ट शेड्यूल जो है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सेवेंटी यहाँ पर भी ऐड कर दिया गया तो यहाँ पे भी मेन एम यही था कि जो हंटिंग है उस पर रोक लगाई जाए जो इसका इलीगल फिशिंग इतना ज़्यादा होता है और जो फैसिलिटीज़ हैं कंजर्वेशन की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की वो इनको दी जाए फॉर एग्जाम्पल आपका विक्रमशिला गैन्जर्स डॉल्फिन सेंचुरी जो है बिहार में इसी एक्ट के अंदर वो इंट्रोड्यूस की इस्टेब्लिश जो है वहाँ पर वो की गई अब गवर्नमेंट ने और भी जो कंजर्वेशन एक्शन प्लान है 2010-2020 का गेंजर्स रिवर डॉल्फिन के लिए वो बनाया और थ्रेट्स जो हैं इन डॉल्फिन्स को उनको आइडेंटिफाई किया कि क्या थ्रेट्स हैं जिनको हम आगे डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे उसके बाद अक्टूबर फिफ्थ 2009 में प्राइम मिनिस्टर ने गैंगटिक रिवर डॉल्फिन को नेशनल इक्वाटिक एनिमल जो है वो घोषित किया ये याद रखिएगा 2005 में डॉल्फिन हमारा नेशनल इक्वाटिक एनिमल है लेकिन इसको कब डिक्लेयर किया गया है फिफ्थ अक्टूबर टू और जो नोटिफिकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का उसी साल वो बाहर आया वहाँ पे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है उसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया कि फिफ्थ अक्टूबर जो है जिस दिन इसको नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया गया है उसको नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे सेलिब्रेट या ऑब्जर्व जो है वो किया जाएगा तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम्स हैं एस या बैंक एग्जाम्स इस तरह का जी का क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जा सकता है अब इंपॉर्टेंस ऑफ डॉल्फिन तो है तभी हम उनके कंजर्वेशन प्लान की जो बात वो कर रहे हैं तो अभी तक देखिए जिस तरह से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एन है यहाँ पे गवर्नमेंट का फ्लैगशिप स्कीम जो है नमामी गंगे उसके इनिशिएटिव्स में भी डॉल्फिन को सेव करने के सारे कंजर्वेशन प्लान्स इंक्लूड किए गए हैं ग्लोबल एक्सपीरियंस जैसे राइन एक्शन प्लान है वो मैं आपको बता चुकी हूँ अब इनकी थ्रेट्स की अगर बात की जाए तो थ्रेट्स में जैसे तीन मेन चीज़ें हैं डैम्स क्योंकि डैम्स की वजह से जो माइग्रेशन है जो ब्रीडिंग साइकिल्स हैं जो हैबिटेट है फिश का और उसके प्रे का वो ख़राब होता है देखिए यहाँ पे प्रे का नाम बार बार इसलिए लिया जाता है कि फिश को अगर हमें कंजर्व करना है सपोज़ डॉल्फिन को कंजर्व करना है तो उसको कंजर्व करने के लिए उसका हैबिटेट कंजर्व करना पड़ेगा उसके प्रे को भी कंजर्व जो उसका शिकार है उसको भी कंजर्व करना पड़ेगा ताकि एक इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बना रहे क्योंकि डैम्स और बैरिजेज़ जब बन जाते हैं तो बहुत सारी इस तरह की आपकी छोटी छोटी फिशेज़ हैं जिस पर डॉल्फिन डिपेंड करती है जो इनका खाना है वो माइग्रेट करके नहीं आ सकती जिनके ब्रीडिंग साइगल्स वहाँ पर कम्प्लीट होने हैं वो कम्प्लीट नहीं हो पाते क्योंकि बैरेजेज की वजह से जो फ्लो वाटर का ऑपोजिट हो जाता है और वो या बैरेजेस की वजह से क्रॉस जो है फिश उन पॉइंट्स को नहीं कर पाते बहुत सारे फिशेस तो एक इकोलॉजिकल बैलेंस जो फूड चेन है पूरे उस हैबिटेट की उस रिवर सिस्टम की वो डिस्टर्ब हो जाती है उसके बाद पल्यूशन तो एक फैक्टर है ही है उसके बाद सिल्टिंग एक्सेसिव सिल्टिंग जो होती है सैंड माइनिंग होती है स्पेशली असम में या जो आपका लोअर कोर्स है गंगा का ये भी एक uh, बहुत ही ज़्यादा थ्रेट है डॉल्फिन के नंबर को जिसकी वजह से इनका नंबर बहुत ज़्यादा इनका पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हुआ है इसके सिवाय दो फैक्टर्स और हैं पोचिंग को आप इंक्लूड कर सकते हैं जो इलीगल हंटिंग की जाती है इनके ऑयल के लिए डॉल्फिन के फैट्स के लिए फ्लैश के लिए राइट right? और उसके बाद एक और फैक्टर है कि जिस तरह से ह्यूमन फैक्टर्स एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हम कहते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि डॉल्फिन डौ, जो है वो ब्लाइंड रहती है इकोलोकेशन लोकेशन यूज़ करके वो अपना शिकार करती है लेकिन अब अगर वहाँ पे बहुत सारे आ, प्रोजेक्ट्स जैसे शुरू कर गए आ, कर दिए गए हैं बहुत सारे लार्ज शिप प्रोपेलर्स वहाँ पे रहते हैं ड्रेजिंग हो रही है तो यहाँ पे उसको ईको लोकेशन से अपने प्रे को पकड़ने में नॉइस पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो ये भी एक रीज़न है तो ये कुछ चार पाँच रीजनस हैं जिनको आप थ्रेट्स में लिख सकते हैं तो डेफ़िनेटली जैसे सेंसस की बात की तो यहाँ पे 2500 टू 3000 रखा है बट अगर आप डब्ल्यू के डेटा से जाएंगे तो पॉपुलेशन इनकी लेस देन 1800 है तो ये क्विक रिविजन के लिए कि क्या स्टेटस है डॉल्फिन का देखिए फर्स्ट केड्यूल जो है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको प्रोटेक्ट किया गया है आई .E द्वारा एंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है उसके बाद अपेंडिक्स वन में इनको मोस्ट एंडेंजर्ड का स्टेटस दिया गया है साइट्स के द्वारा कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज अपेंडिक्स टू में जो माइग्रेटरी स्पीशीज हैं जिनको कंजर्वेशन की जरूरत है मैनेजमेंट की जरूरत है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज उसमें भी इनको कंजर्वेशन स्टेटस जो है वो दिया गया है तो आपके कोई रिविजन के लिए है कि आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्रोटेक्शन इनको मिली है तो एफर्ट्स अभी तक क्या रहे हैं कंजर्व करने के लिए तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि ये सब एफ़र्ट्स ही दिखाते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 1986 में जब गंगा एक्शन प्लान आया फर्स्ट केड्यूल में जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इनको इंक्लूड किया गया हंटिंग पे रोक लगाया गया विक्रमशिला गैन्जर्स डॉल्फिन सेंचुरी जो है वो इसको बिहार में इसी एक्ट के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया एक और प्रोजेक्ट था आपका 2015-16 में आया था सेविंग द गांजस रिवर डॉल्फिन कि किस तरह से गैन्जर्स के रिवर डॉल्फिन को हमने सेव करना है जैसे मैंने आपको बताया कि एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि रिवर वाटर में आ, ये गैन्ज रिवर डॉल्फिन जो है वो पाई जाती है इस तरह से वर्ल्ड में तीन और चार और फ्रेश वाटर डॉल्फिन हैं उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ एक है आपकी बैजी जो कि ऐसा माना जाता है कि अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है जो आपका यांगसे रिवर है चाइना का ये वहाँ पे पाई जाती थी उसके बाद आपकी है भुलान जो भुलान है ये इंडस जो है पाकिस्तान का वहाँ पे पाई जाती है उसके बाद है आपका बोटो ओके okay. ये एमेजोन रिवर जो है आपका लेटिन अमेरिका में वहां पे ये पाई जाती है तो उसके बाद आ गई हमारी गैंजस रिवर डॉल्फिन तो यही चार मेन फ्रेश वाटर जो रिवर डॉल्फिन हैं दुनिया में जो पाई जाती है और इनमें से जो बाइजी है यांग से रिवर की ये माना जाता है कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है क्योंकि इसको काफी समय से देखा नहीं गया है तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है ऑल दो तो आपको पी में इसका डेटा मिल जाएगा लेकिन जैसे देख सकते हैं इसके मेन ऑब्जेक्टिवस क्या थे कि इस तरह का मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया गया था जो पानी की क्वालिटी को मॉनिटर करे कि किस तरह के केमिकल्स हैं कि उस पर डेटा जो है वो अपलोड किया जाता था कम्युनिटी के लिए उसके बाद जो लोकल फिशिंग कम्युनिटीज़ हैं उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया था स्कूल स्टूडेंट्स जो रिसर्चर्स थे स्कूल स्टूडेंट्स थे आपके मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के उनको भी डेटा कलेक्शन के लिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया गया था और उसके बाद उस डेटा को जो एक्सपर्ट्स थे वो एनालाइज करते थे ताकि और जैसे चार पांच थ्रेट्स हमने डॉल्फिन के लिए पढ़ी उसके सिवाय भी क्या डॉल्फिन की पॉपुलेशन को कोई थ्रेट है और पॉलिसी मेकर्स ने लोकल रीजनल नेशनल लेवल पे अलग अलग पॉलिसीज जो हैं वो रिवर गैन्चर्स रिवर डॉल्फिन के डिक्लाइन को लेकर उसको कंजर्व करने के लिए टाइम टू टाइम बनाई है तो यही था पूरा आपका प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में जहाँ पे इस एनिमल के करेक्ट्रिस्टिक्स के बारे में हमने देखा इसको क्या थ्रेट्स हैं और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन के वो सब हमने डिटेल में डिस्कस किए और डब्ल्यू के इंडिया के क्या इनिशिएटिव्स हैं कौन कौन से स्ट्रेचेस में इंडिया के डॉल्फिन जो है वो पाई जाती है तो अभी तक जितने भी कन्जर्वेशन एफर्ट्स के लेक्चर थे मेजर एनिमल्स को लेकर वो हमने डिस्कस कर लिए हैं इसको हम यहीं पे स्टॉप करेंगे जो कंजर्वेशन एफ़र्ट्स की सीरीज़ है एनिमल्स को लेकर और अब नया टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे लेकिन उसके बाद भी कोई इम्पॉर्टेंट अगर ऐसा लेक्चर बचेगा तो आप मुझे टेलीग्राम पे इंफॉर्म कर सकते हैं मैं उसको कवर कर लूँगी तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं पी टेलीग्राम से कलेक्ट कर लीजिएगा थैंक यू सो मच